स्टेटस को है हमारा, क्योंकि हमारी डिमांड अभी तक पूरी नहीं हुई है। हमारी मीटिंग भी दो बार वाइस चांसलर साहब से हो गई, और वहाँ पे वाइस चांसलर साहब के साथ एक बार लड़कियों ने भी मिला, उन्होंने भी इनसिक्योरिटी फील की वहाँ पे, उन्होंने जाहिर किया कि हम इनसिक्योर फील कर रहे हैं। तो स्टेटस को है आज भी जीबी में यही डिसाइड हुआ कि जो हमारी फर्स्ट डिमांड है उस पर तो हम रहेंगे, अगर वो हो गई तो हम ड्यूटी रिज्यूम कर लेंगे। रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं उनकी हड़ताल चल रही है, लेकिन जो सीनियर डॉक्टर्स हैं वो ओपीडी भी देख रहे हैं, और इमरजेंसी सर्विसेज जो सीनियर डॉक्टर हैं मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं, और जो डॉक्टर हैं उनके उस पर वाइस चांसलर साहब ने कमेटी भी बनाई है इस पूरे मामले को देखने के लिए, और उनसे बातचीत कल भी हुई थी, आज भी वाइस चांसलर साहब से उनसे बात हुई। यूनिवर्सिटी इंतजामिया इस पूरी तरह से इस पूरे मामले के लिए सजग है, वार्ता कर रही है, और आज भी उनकी जो RDA है उनकी आज मीटिंग है शाम को, तो उसमें इस पूरे मामले को देखा जाएगा। वाइस चांसलर साहब ने जो स्टूडेंट्स थे उनसे भी बात हुई है, फिर डॉक्टरों से भी बात हुई है, तो जितने स्टेक होल्डर्स हैं सबसे बात हो रही है, और फिर इस पूरे मामले की जांच के लिए वाइस चांसलर साहब ने एक 3 मेंबर कमेटी भी बनाई है, उसकी भी रिपोर्ट आने वाली है, वो जाँच कर रही है, तो मुझे लगता है कि इस मामले का जल्दी समाधान कर लिया जाएगा।